हाय फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त अनीस। देखिए मेरा हिबिस्कस का पौधा, देखिए कितना बड़ा हो गया है। ये देखिए, अब इसमें देखिए फिर से एक टाइमिंग आ रहा है कि जब हम इसकी फिर से प्रूनिंग कर दें और ये फिर से घना हो जाए। लेकिन देखिए इसमें फ्लावरिंग देखिए कंटिन्यू चल ही रही है, तो अब इसको कटिंग करने का इसका मन नहीं कर रहा है। बहरहाल देखिए, मैंने इसमें यहाँ पर देखिए कुछ ग्राफ्टिंग करी थी, तो ये देखिए इसकी, ये देखिए एक सेकेंड, ये देखिए तो ये ग्राफ्टिंग सक्सेस हो गई है। मैंने इसमें देखिए चार ग्राफ्टिंग करी थी, तो चार में से दो ग्राफ्टिंग सक्सेसफुल हो गई हैं। और देखिए ये जो है हमारा येलो कलर वाला जो हिबिस्कस होता है उसका पौधा है, और इसमें देखिए मैंने काफ़ी सारी ग्राफ्टिंग करी हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हो। तो इस पर देखिए मैंने, ये देखिए एक ग्राफ्टिंग यहाँ पर है, एक ग्राफ्टिंग देखिए यहाँ पर ये है, ये देखिए, और एक ग्राफ्टिंग ये यहाँ पर है, ये देखिए ये यहाँ पर है। मैं इसकी पॉलीथीन निकाल दी है, और देखिए ये 12 इंची के पॉट में लगा हुआ है, प्लास्टिक पॉट में, और जिसमें देखिए नीचे से केवल इसकी देखिए दो शाखाएँ हैं। नीचे छोटी छोटी सी कटिंग से अलग से लगा दिया था जब प्रूनिंग किया था। ये देखिए अब इसकी देखिए ग्रोथ कितनी अच्छी हो गई है। ये देखिए अब इसमें फिर से देखिए लगातार कॉन्टीन्यूसली इसमें पिछले 2 महीने से तो चल ही रही थी फ्लावरिंग, इस वजह से मेरा इसको प्रून करने का मन नहीं कर रहा था। ये देखिए इसमें भी देखिए फ्लावरिंग है, आज देखिए बहुत सारे फूल उतार लिए गए, पर डे रोज खिलते हैं इसमें। ये देखिए हर एक ब्रांचेज में देखिए आपको, ये देखिए वो पीछे देखिए, ये देखिए इसमें तो फ्लावर भी है। ये देखिए कुछ में स्पेंड भी हो चुके हैं, देखिए जैसे इस पर है, देखिए तो इस पर नए नए बड्स बनना स्टार्ट हो रहा है। दोस्तों ये वाला जो गुड़हल है तो ये बीच बीच से देखिए टूट गया था, जिसकी वजह से इसमें फ्लावरिंग नहीं आई, और इसमें देखिए कुछ थ्रिप्स का अटैक भी हुआ था जिसकी मैंने ट्रीटमेंट तो किया है। अब देखिए जो नए लीव्स हैं, ये देखिए काफ़ी कुछ सही भी हैं, तो इसका भी हम ट्रीटमेंट जारी किए हुए हैं। और देखिए ये एक देखिए दूसरा ही हिबिस्कस है, ये वाइट कलर वाला ही हिबिस्कस है, वाइट में जो देसी आता है, ये देखिए देसी वाला वो ही हिबिस्कस है। और इसमें देखिए इसमें मैंने कई तरह की ग्राफ्टिंग करी है जो सारी की सारी सक्सेसफुल हैं। साथ में एक ये देखिए वही येलो कलर वाला, उसी का ही एक ये भी पौधा है, तो ये भी देखिए ये तो और अच्छा, देखिए मैंने इसकी प्रूनिंग कर दिया था टाइम टू टाइम, तो ये देखिए काफ़ी अच्छा घना हो गया है। इस वाले को भी मैं प्रून करना चाह रहा था, लेकिन अभी मैंने प्रून नहीं किया है, कुछ दिनों के बाद मैं सितंबर अक्टूबर में इसकी प्रूनिंग कर दूँगा। तो यही आज आपने मैं अपने हिबिस्कस दिखाने जा रहा था। साथ में देखिए ये ऑस्ट्रेलियन हिबिस्कस लगा हुआ है, जिसके फ्लावर्स अभी अभी 3-4 तोड़ लिए गए, और देखिए हर आप देखिए हर एक ब्रांचेज में आपको देखिए बर्ड्स मिलेंगे। देखिए एक देखिए इसकी, ये देखिए डेड हो गई, ये देखिए एक देखिए ये इसका फ्लावर नहीं खिला, डेड हो गया, और एक ये देखिए इन सब में देखिए काफ़ी अच्छे देखिए बर्ड्स हैं। दोस्तों जो अगर हम देखें कि इसकी जो है क्यों डेड हो जा रही है ऑस्ट्रेलियन हिबिस्कस की, दोस्तों इसका मेन रीज़न ये था कि अभी इस टाइम पे किसी दिन बारिश हो जा रही है, किसी दिन अच्छी खासी धूप निकल रही है, तो ये टेम्परेचर अनियमित तरीके से जब भी होता है तो आपकी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। देखिए जैसे इसमें देखिए पत्तियां पीली पड़ रही हैं, ये देखिए नीचे गिरी पड़ी हुई हैं, तो पत्तियों का पीला पड़ना समय टेम्परेचर का अनियमित तरीके से चेंज होना भी हो सकता है, प्लस आपकी वाटरिंग भी हो सकती है। किसी दिन आपने पानी दे दिया या भगवान ने पानी बरस दिया तो पानी अच्छा खासा हो गया, और किसी दिन तो बिल्कुल भी नहीं हुआ, तो ये दिक्कत भी आपके साथ हो सकती है। प्लस अगर इसमें फर्टिलाइज़र की बात करें तो देखिए दोस्तों मैंने इसमें केवल कंपोस्ट डाला हुआ है। देखिए रात में बारिश हुई थी जिसकी वजह से इसमें देखिए काफ़ी अच्छी खासी नमी हो गई थी, तो मैंने ऊपर से हल्का सा फंगिसाइड डाल दिया ताकि इसमें कोई फंगस की प्रॉब्लम ना हो। फंगिसाइड आपको हल्का सा ही डालना है, मैंने केवल 1/4 टीस्पून ही डाला, बहुत ज़्यादा नहीं डाला है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा डाल देंगे तो इससे इसमें अंदर जो हमारे बेनिफिशियल फंगस होता है जो कि राइजोबियम,
वो जो है फिर ख़त्म हो जाएगा। मैंने क्योंकि कुछ दिन पहले इसमें ह्यूमिक एसिड यूज़ किया था, तभी इसके देखिए आप देख सकते हैं कि पत्ते सारे लाल ग्रीन है और इसमें देखिए ग्रीन इतना ज़्यादा नहीं है। मेन डिफरेंस यही होता है दोस्तों। तो ये देखिए मैंने इसमें ह्यूमिक एसिड यूज़ किया था, तो जिसकी वजह से इसके सारे पत्ते बिल्कुल लस ग्रीन थे, तभी इसमें देखिए अच्छी खासी ग्रोथ हुई थी। और आप देख सकते हो कि इसके देखिए ये देखिए ईच एंड एवरी नोट से ये देखिए नए शूट्स निकल रहे हैं। तो दोस्तों मैं इस पे एक एक्सपेरिमेंट ही कर रहा हूँ, तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों, नमस्कार।